मैं स्वागत करता हूं तहे दिल से ऑल न्यू मेंबर्स का ऑन द बोर्ड ऑफ वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस, मिस्टर विश्वजीत शर्मा, रिजर्व लाइट मिस चंपा देवी शिवप्पा, मिस्टर रमेश सिंह, मिस्टर राहुल कुमार सौ, मिस्टर ईश्वर सिंह, मिस्टर विजय आनंद, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है ऑन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ऑन मार्च 14, 2021, दिस वीडियो हाउ टू कैलकुलेट पी रेशो पोस्ट की गई थी, जिसके अंदर पी रेशो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है विद एन एग्जांपल ऑफ मारुति, इट वाज बीन एक्सप्लेन्ड। और उसके बाद जो दूसरा पॉइंट था कि जो एक पोर्टफोलियो का पी रेशो है दैट इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम द स्टॉक्स, ये दूसरी बात। पी रेशो निकालते हुए मारुति का जब पी रेशो निकाला जा रहा था तो हमारे पास दो वैल्यू आई थी पी रेशो, वो क्यों थी? देयर वाज ए डिफरेंस ऑफ टीटीएम का जो हम अर्निंग्स ले रहे थे और जो ईयर एंड की जो अर्निंग ले रहे थे, उन दोनों का फर्क था। तो हमने जाना कि पी रेशो में डिफरेंस कब आएगा, जब प्राइस चेंज होगा या अर्निंग्स चेंज होंगी, राइट? जब प्राइस चेंज होगा और जब अर्निंग्स चेंज होंगी। जब बात की जा रही थी स्टॉक्स की, तो स्टॉक्स में किसी का पी रेशो 1600 भी हो सकता है, जैसे अपोलो हॉस्पिटल का या यूनाइटेड ब्रूरीज का 1900 का पी रेशो था, विशाल बीरिंग का 2900 या इन्फो एज का उससे भी अधिक था। एंड देर वॉज द हाइएस्ट पी रेशो ऑफ 68,800 ऑफ ब्लू डार्ट। ये हमने समझा। पी रेशो जब निफ्टी एक पोर्टफोलियो की बात की गई तो हमने जाना फॉर ईयर्स इसका जो पी रेशो है दैट वॉज विद इन रेंज ऑफ 12 to 28। और पहली बार ऐसा हुआ कि ब्रेकआउट करके बहुत तेजी से 28 को पार करते हुए 40 और 37 की रेंज में पी रेशो आ गया। और ये कहा गया कि अगर 40 37 को ब्रेक करेगा तो नीचे स्पोर्ट पी रेशो विल बी 25 and 28। और एक्चुअल में जब हमने केस स्टडी देखी, जिस समय ये वीडियो पोस्ट किया गया था उस समय पी रेशो वाज नियर टू 40। ये आप देखें, इन द मंथ ऑफ मार्च 15 को इट वाज 40.66 और वहाँ से वो गिरना चालू हुआ। रेजिस्टेंस के रूप में इसने 40 ने काम किया। तो आज की डेट में अगर मैं देखूँ तो ऑन 31st of May को इट हैज़ कम डाउन टू 29 और 2 जून को इट इज़ 28.8। यानी जो हमारा स्पोर्ट था 28 का, 25 और 28 की रेंज की जो स्पोर्ट था, पी रेशियो हैज़ करेक्टेड फ्रॉम 40 टू दिस 28 लेवल। जो 37-40 का एक लेवल था वहाँ से गिरते हुए इट हैज़ कम नियर टू 28 विच विल वर्क एज ए स्पोर्ट नाउ 25-28। एक और जो सरप्राइजिंग बात हुई, ये तो जो स्पोर्ट की बात की, ये कितनी स्ट्रांगली इसने काम किया कि अगर 37 को ब्रेक किया तो इट हैज़ रीच टू 28, सीधा 10 पॉइंट पी रेशो के साफ हो गए। लेकिन जो आश्चर्यजनक बात हुई उसमें, ये बात ये हुई कि पी रेशो तो घटा लेकिन प्राइस वही का वही है। प्राइस हैज़ नॉट ड्रॉप्ड मच। प्राइस आज ऑन से 13th of June वी आर ऑलमोस्ट एट ऑल टाइम हाई एंड पी रेशो हैज़ करेक्टेड। व्हाई दिस हैज़ हैपन्ड, ये जानने के लिए वी हैव टू स्टडी द अर्निंग्स ऑफ द स्टॉक्स ऑफ निफ्टी 50 स्टॉक्स। निफ्टी 50 स्टॉक्स को अगर मैं जज करने जाऊंगा तो
तो वहां पर एक चीज अवश्य मिलेगी कि मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स, कुछ स्टॉक्स हो सकता है सेक्टर ने ना परफॉर्म किया हो, लेकिन अधिकतर स्टॉक्स ने अच्छे रिजल्ट्स दिए होंगे, बेटर रिजल्ट्स दिए होंगे, जिसकी वजह से पीई रेशो प्राइस बढ़ने की वजह से भी नीचे आ गया कि अर्निंग्स हैज गॉन अप, सो वाई द पीई रेशो हैज कूल डाउन फ्रॉम 40 to 28. लेट्स वर्क ऑन दोस स्टॉक्स, लेट्स फाइंड आउट कि क्या क्या सचमुच में कुछ स्टॉक्स के प्राइस प्रॉफिट्स बहुत अधिक रूप में बढ़े हैं क्या. ओके, दिस इज लेट्स फाइंड आउट टाटा स्टील. स्टील सेक्टर को सबसे पहले देखते हैं जिनके प्राइस भी बहुत अधिक बढ़े हैं. प्रॉफिट, ओ गॉड, दिसंबर 2020 में 3,697 करोड़ का प्रॉफिट था, विच हैज गॉन टू 6,644 करोड़, डबल हो गया प्रॉफिट. अगर पिछले मार्च 2019 में देखूं तो 2,383 करोड़ का प्रॉफिट है, विच इज थ्री टाइम्स नाउ 6,644 करोड़. सो इट मीन्स व्हाट कि अगर खाली स्टील ने, टाटा स्टील ने डबल प्रॉफिट शो किए, तो इट मीन्स दैट विल बी गोइंग टू इम्पैक्ट टू मच ऑन द पी रेशो. यहाँ देखें, दिसंबर 2020 में 2,681 का प्रॉफिट था, और मार्च में जाकर देखूँ तो 2,330 का. दिस वी आर टॉकिंग अबाउट JSW स्टील, विच हैज़ अगेन गॉन अप ड्रास्टिकली. दिस इज डॉक्टर रेड्डी. डॉक्टर रेड्डी भी 28 करोड़ से इट हैड रीच टू 557. आल दो पिछले 24 में क्वार्टर्स को देख पा रहा हूँ तो एवरेज जो है इसका प्रॉफिट्स है दैट इज 557 के आसपास ही है. कभी इसने 1000 करोड़ दिखाया और कभी 28 करोड़ भी दिखाया, जो दिस वाज इन दिसंबर 2020, वो भी प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ के आए हैं. कैडिला को देखते हैं, कैडिला हेल्थ केयर. कैडिला हेल्थ केयर ने भी ऑल टाइम हाई प्रॉफिट दिया, क्वार्टरली ऑल टाइम हाई प्रॉफिट है 6,679 करोड़ का, विच इज़ नेवर बिफोर. तो मैक्सिमम प्रॉफिट्स, मैक्सिमम कंपनी, अगर मैं बात करूं मेटल्स की, मैं बात करूं ये सन फार्मा का एक जो स्टॉक है जिसने मार्च के अंदर 900 करोड़ का प्रॉफिट दिया है, विच इज़ बिलो एक्सपेक्टेशन, और जो लास्ट क्वार्टर है उससे भी कम आया. दिस इज HDFC बैंक, विच हैज़ गिवन ऑलमोस्ट द सेम प्रॉफिट, 8,700 करोड़, विच वॉज द हाइएस्ट नंबर. उसी हाइएस्ट नंबर के पास ही इसने 8,434 करोड़ का प्रॉफिट दिया है. HDFC जो NBFC है उसको हाउसिंग में, ओ इट हैज़ ऑल्सो रजिस्टर्ड हाइएस्ट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 7 quarters. 7 quarters के अंदर इसका हाइएस्ट प्रॉफिट है 5,350 करोड़. मेरे ख्याल एक ऑटो सेक्टर विच वुड हैव नॉट परफॉर्म्ड, उसको अगर हम चेक करेंगे तो वी मे फाइंड कि वहाँ पे कुछ जरूर नेगेटिव परफॉर्मेंस दिखाई दी होगी इन दैट क्वार्टर, बट दैट वाज ए रिमार्केबल प्रॉफिट शोन बाय मेटल इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री एज वेल एज NBFC. सो इनके हमने जो प्रॉफिट्स देखे हैं अभी तक मोस्टली दैट वर वेरी गुड. एक HDFC ने एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था 2019 में, दैट वॉज बिकॉज ऑफ रेवेन्यू, दैट वॉज 32,000, विच वॉज नेवर रिपीटेड अगेन, बट दिस टाइम 7 quarters का, विच इज हाइएस्ट. दिस इज इन्फोसिस. इन्फोसिस अगेन हैज रजिस्टर्ड हाइएस्ट नंबर, लास्ट क्वार्टर का 5,197, दिस टाइम 5,076, दोनों क्वार्टर के अंदर हाइएस्ट नंबर रजिस्टर किए, विच इज अगेन हेल्पफुल. HCL टेक का रेवेन्यू फॉर क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर दैट वाज नॉट गुड, 1,100 करोड़ का प्रॉफिट रजिस्टर किया, जिसके अंदर टैक्स उन्होंने 67% शो किया है. That needs to be revisit. TCS में quarterly results के अंदर it has shown the highest number.
आईटी कंपनीज में भी हमने इंफोसिस में भी देखा और अभी टीसीएस में भी इट हैज रजिस्टर्ड ए हाईएस्ट नंबर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ एनी टाइम ऑल टाइम्स हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रॉफिट रजिस्टर्ड बाय टीसीएस। ऑल राइट, लेट्स चेक द टेक महिंद्रा, यहाँ कुछ चैलेंज हो सकता है? कोई चैलेंज नहीं है। एवरेज इसका ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के आसपास है, इट हैज़ रजिस्टर्ड 1000 करोड़, बस लास्ट क्वार्टर से अबाउट 25% के आसपास कम है। अब आते हैं ऑटो पे, विच मे बी चैलेंज। टाटा मोटर रजिस्टर्ड -7,605 करोड़। ऑटो की सेल्स को ज़रूर इम्पैक्ट। मारुति का क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं, मारुति हैज़ रजिस्टर्ड 1,241 करोड़। चार क्वार्टर पहले इट वाज -267, फिर 1400 करोड़, फिर 1900 करोड़, अपवर्ड ट्रेंड चला, उसके बाद देन देर इज़ ए डिक्लाइन, 1200 करोड़ रजिस्टर किया। बजाज ऑटो ने अपने आप को मेंटेन किया, 1551 करोड़ का प्रॉफिट रजिस्टर किया, केवल लास्ट क्वार्टर में 1716 करोड़ है, विच इज़ द हायर नंबर, अदरवाइज दिस इज, अगर इसको छोड़ते हैं लास्ट क्वार्टर को, दिस इज़ द हाइएस्ट नंबर। नाउ लुक एट बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस हैज़ रजिस्टर्ड हाइएस्ट प्रॉफिट इन एनी क्वार्टर, एक पहले दिसंबर 2019 में इससे अधिक था, अदरवाइज उसके बाद दिस इज़ ए हाइएस्ट नंबर। बजाज फिनसर्व, इसने लास्ट क्वार्टर के मुकाबले में कंपेरेटिवली कम प्रॉफिट, अगर इसका पैटर्न भी देखें तो अप डाउन इसका वन क्वार्टर टू अनदर क्वार्टर रहता है, और इसने अभी 1290 करोड़ की बजाय 979 करोड़ का रिजल्ट्स दिया है। हीरो मोटर कोप, हीरो मोटर कोप का भी 881 करोड़ का प्रॉफिट है। तो यानी ऑटो इंडस्ट्री के अंदर, चाहे वो टू व्हीलर हो या थ्री व्हीलर हो, थोड़ा सा लास्ट क्वार्टर के मुकाबले में घटके ही प्रॉफिट आए हैं। आइशर मोटर का क्वार्टरली रिजल्ट्स दैट इज़ रिमार्केबल, 526 करोड़ रजिस्टर किए, विच इज़ लास्ट क्वार्टर से लगभग बराबर है। उसके पीछे के दो क्वार्टर्स तो बहुत ख़राब थे, उसके मुकाबले में इट हैज़ परफॉर्म्ड वेरी वेल। टाइटन इंडस्ट्री, इट हैज़ रजिस्टर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ एनी क्वार्टर। ऑयल कंपनीज का देख लेते हैं, इंडियन ऑयल कंपनी का क्या, ओ गॉड, डबल प्रॉफिट फ्रॉम लास्ट क्वार्टर, और मार्च 2019 6000 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार 9000 करोड़ का, हाईएस्ट प्रॉफिट ऑफ एनी क्वार्टर। हिंदुस्तान पेट्रोलियम का देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हैज आल्सो रजिस्टर्ड ए हाईएस्ट प्रॉफिट। ये प्रॉफिट उनकी इन्वेंट्री की वजह से रहा, उनके पास बहुत सारी इन्वेंट्री थी, कंजम्पशन उतना हुआ नहीं और ऑयल प्राइसेस बढ़ गए, तो दैट इज़ ए डिफरेंस ऑफ परचेज एंड डिफरेंस ऑफ क्लोजिंग प्राइस एंड दैट हैज़ शोन द नंबर। ओ माई गॉड, सिप्ला हैज़ रजिस्टर्ड 2400 करोड़ का प्रॉफिट, विच इज नेवर बिफोर, ये भी दिस इज द हाइएस्ट क्वार्टर नंबर। एशियन पेंट, एशियन पेंट ने 852 करोड़ का प्रॉफिट दिया है, विच इज़ ऑलमोस्ट एवरेज, लास्ट क्वार्टर में 1200 करोड़ था, उससे कम है, लेकिन जो एवरेज प्रॉफिट है वो उसने सबमिट किया। नाउ विच इज़ अगेन रिलायंस इंडस्ट्रीज, 13000 करोड़ का पिछली बार प्रॉफिट था, 13000 करोड़ का इस बार प्रॉफिट दिखाया है, दैट इज ऑल्सो ए वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय एनी कंपनी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद अडानी पोर्ट देखते हैं, अडानी पोर्ट के नंबर कैसे रहे इन लास्ट क्वार्टर, दे हैव रजिस्टर्ड 1288 करोड़, जो पीछे का एवरेज फ्रॉम दिसंबर 2018 है, दैट इज़ ए एवरेज ऑफ ऑलमोस्ट 1300 करोड़, और वही प्रॉफिट्स उसने परफॉर्म किए, हालांकि लास्ट क्वार्टर से इट वॉज सम हाउ लिटल बिट लोअर। इंश्योरेंस कंपनी का भी चेक कर लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इंश्योरेंस कंपनी SBI लाइफ, दे आर रजिस्टर्ड 532 करोड़, इन्होंने जो मार्च 2019 में परफॉर्मेंस की थी उसको बीट किया है, मार्च में दे आर ऑलवेज ऑन द हायर साइड, टैक्स सेविंग के लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट्स लेके आते हैं। लास्ट क्वार्टर से HDFC लाइफ ने भी
319 करोड़ बेटर परफॉर्मेंस दिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खुद ने भी लास्ट दो क्वार्टर में 6000 करोड़ रजिस्टर किए, दैट इज़ रिमार्केबली गुड। दिसंबर 2019 में 6500 करोड़ का था वो, उनकी जैसे जैसे बैलेंस शीट क्लीन होती जा रही है वैसे वैसे देन प्रॉफिटेबिलिटी भी या कैश फ्लो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि अगर आप रेवेन्यू देखें फॉर ईयर्स जून 2018 या उससे पीछे भी जाएं तो रेवेन्यू इज़ ऑलमोस्ट विद इन द रेंज ऑफ 60 to 70,000 करोड़ पर क्वार्टर। एनुअली इट इज़ 2,278,000 करोड़ विच इज़ अनबिलीवेबल बाय एनी कंपनी। रेवेन्यू तो बहुत बड़ा है लेकिन नेट प्रॉफिट आते आते बहुत सारा उसके अंदर से शेयर गायब हो जाता है, तो देन वी एंड अप फिर भी उसने 22,000 करोड़ एनुअल परफॉर्मेंस दिखाई है विच इज़ वेरी वेरी गुड। महिंद्रा महिंद्रा अगेन एक ऑटो कंपनी, दे हैव रजिस्टर्ड, उसको उस समय मैं नहीं लेके आया लेकिन अभी इफ आई शो दे हैव रजिस्टर्ड 1,070 करोड़ विच इज़ अगेन जो 2018 दिसंबर में उसकी परफॉर्मेंस थी उसके बराबर कहीं परफॉर्मेंस लेके आ पाए हैं। ऑल राइट, तो इस तरह से हमने बहुत सारी कंपनीज को एनालाइज किया जो निफ्टी 50 की कंपनीज हैं। कुछ ऑटो कंपनीज को अगर छोड़ दें तो मोस्ट ऑफ द कंपनी चाहे वो इंश्योरेंस में हो चाहे वो मल्टीपल सेक्टर्स को कवर करती हो, रिलायंस जैसी कंपनी हो या स्पेसिफिक ज्वेलरी में हो, टाइटन हो या बैंकिंग सेक्टर हो या NBFC हो, मोस्ट ऑफ द कंपनीज और ऑयल कंपनीज हो, जो भी सेक्टर है, स्टील में हो, मेटल्स में हो, तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैव रजिस्टर्ड द बेटर अर्निंग्स, जिसकी वजह से जो हमारा पी रेशो है दैट हैज़ कम डाउन फ्रॉम 40 to 28 विदाउट डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ निफ्टी 50। सो ये हमने एक कॉन्सेप्ट और समझा कि जब अर्निंग्स बढ़ती हैं तो पी रेशो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है अगर प्राइस सेम प्रोपोर्शनेट में ना बढ़े तो, उतनी ही तेज़ी ना आए तो, वो तेज़ी पहले ही आ चुकी थी तो जो अर्निंग्स हैं मैंने हमारे मेरे एक मित्र है CA डागा साहब, जो डागा साहब हैं आजकल प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सीनियर हैं, और उनसे मैंने उनका फ़ोन आया मुझे और उन्होंने पूछा कि बाज़ार क्या लगता है। मैंने कहा आप मेरे को बताइए कि मार्च 2021 की अर्निंग्स कैसे रहेंगी। उन्होंने कहा रिज़ल्ट तो पिछली बार से भी बेटर ही आएंगे। तो मैं क्या मैंने फिर उनको जवाब में कहा अगर रिजल्ट्स बेटर आने वाले हैं तो मार्केट भी गिरने वाली नहीं है, मार्केट भी ठीक अपनी जगह खड़ी रहेगी। और हुआ भी कि जब मार्च के रिजल्ट्स आए तो और अच्छे रिजल्ट्स आए तो उसने मार्केट को संभाल के रखा, राइट। जो 28 का एक अप्रोप्रिएट जो हायर लेवल्स जो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वो लेवल दैट हैज़ कम नाउ, एटलीस्ट नाउ वी कैन से। और सबसे बड़ी बात क्या है, मार्केट फ्यूचर को देख के काम करता है, पास को देख के काम नहीं करता। मार्केट हमेशा देखता है कि आगे आने वाला समय कैसे होगा, अगर आने वाला समय अच्छा है तो मार्केट शेयर मार्केट का प्राइस कभी नहीं गिरेगा, और अगर आने वाला टाइम खराब है तो प्राइस पहले ही करेक्शन लेना शुरू कर देता है। मार्केट कम से कम 3 to 6 months इन एडवांस चलता है, जो आगे 6 months बाद होने वाला है वो 6 months पहले प्राइस के अंदर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है, कम से कम 3 months पहले तो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। चलिए ये एक पी रेशो के ऊपर एक और डिस्कशन और उसके बाद नाउ वी विल कम ऑन द वीकली सेगमेंट, वीकली ट्रेडिंग लेवल्स ऑफ इंडियन स्टॉक्स और कुछ फॉरेन इंडेक्स और कॉमोडिटीज लाइक गोल्ड सिल्वर एंड क्रूड, उनके क्या लेवल्स हैं या वो जानते हैं। दिस वीक वी आर कवरिंग निफ्टी, बैंक निफ्टी, ABB, अडानी एंटरप्राइज, ACC, अडानी पोर्ट, अंबुजा सीमेंट, HDFC लाइफ, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, HDFC लाइफ, एशियन पेंट्स, अरविंदो फार्मा,
एक्सिस बैंक। लास्ट वीक में क्रूड ऑयल ने सेकंड टारगेट बहुत सक्सेसफुली हिट किया। सबसे मज़ेदार तो अल्ट्राटेक था। अल्ट्राटेक ने ट्रेंड डिसाइडर से तीनों रेजिस्टेंस को छुआ और तीनों रेजिस्टेंस छूने के बाद वापस ट्रेंड डिसाइडर, यानी दो साइकिल ट्रेंड डिसाइडर से ऑल थ्री रेजिस्टेंस और ऑल थ्री रेजिस्टेंस से वापस ट्रेंड डिसाइडर की जर्नी एक ही हफ्ते के अंदर अल्ट्राटेक ने पार की, विच वॉज रिमार्केबल। ACC सेकेंड टारगेट ही हिट कर पाया और उसके बाद टेक महिंद्रा ने तीनों टारगेट्स, रेजिस्टेंस के तीनों टारगेट सक्सेसफुली हिट किए। बजाज फिनसर्व ने फर्स्ट सपोर्ट आराम से टच किया। TCS ने तीनों टारगेट रेजिस्टेंस के सक्सेसफुली टच किए। इन्फोसिस ने अपने तीनों टारगेट टच किए। दैट वाज ए वेरी इंटरेस्टिंग इन द लास्ट वीक। HDFC, ITC, ICICI बैंक, इन्फोसिस, कोटक, L&T, ल्यूपिन, मारुति, ONGC, रिलायंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सन फार्मा, TCS, टाटा मोटर, टाटा स्टील, टेक महिंद्रा, टाइटन, UPL, अल्ट्राटेक, विप्रो, ये सब शेयर्स इस लिस्ट में कवर्ड हैं। उसके बाद MCX में जो कॉमोडिटीज ट्रेड होती हैं उनमें से मोस्ट पॉपुलर कॉमोडिटीज गोल्ड, सिल्वर और क्रूड, ये तीनों भी इसमें इंक्लूडेड हैं इन सब लेवल्स में। और उसके बाद जो इंटरनेशनल जो इंडेक्स हैं, CAC 40, फ्रांस का डैक्स 30, जर्मनी का और US 30, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मेन इंडेक्स, और टेक्नोलॉजी इंडेक्स ऑफ US, US 100, नेस्टेक 100 और निकाई 225, ये सब भी इस लिस्ट का पार्ट हैं। और इट्स रियली फन फॉर मी टू प्रेजेंट एवरी वीक द ट्रेंड डिसाइडिंग लेवल्स, और सबसे ज़्यादा खुशी की बात है कि एवरी वीक इट्स टाइम टू से हेलो टू ऑल माय फ्रेंड्स। विद दिस, गुड लक, गुड बाय, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स, लॉट्स ऑफ लव।